स्टार प्लेम्बर, ये यहाँ पर कंसील टैंक लगाने जा रहे हैं हम लोग। जैगुआर का कंसील टैंक है, ये फुल फ्रेम टैंक है, इसके फ्रेम के साथ में आता है। अभी हमने ये रेक बोल्ट भी इसी के साथ में आती है, ये कस दिए हैं इसके अंदर। अभी हम आपको बताएंगे कैसे लगता है। यहाँ पर ये हमारा कंसील टैंक लगना है, और अभी यहाँ पर एक ये इस तरह बाइट टब की फिटिंग भी आना है, वो भी बताएंगे। यहाँ पर वॉच बेसिन डायवेटर लग चुका है। वॉच बेसिन डायवेटर की हाइट हमने फाइनल फर्श से 42 इंच पर रखी है, और ये वॉल डायवेटर है, और ये फॉल सीलिंग में यहाँ पर शावर आएगा। ये बोतल ट्रैप का पॉइंट है, बोतल ट्रैप का जो पॉइंट रखा है हमने फ्लोर लेवल से 19 इंच पे रखा है, और जो स्पाउट है स्पाउट हमने 30 इंच पे रखा है, स्पाउट हमने 30 इंच पे रखा है फाइनल फर्श टाइल्स लेवल से, और ये 40 इंच पे रखा है वॉल डायवेटर। अब हम आपको बता रहे हैं टैंक कैसे लगता है। ये देखिए यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग, और अभी हमने अभी यहाँ पे टैंक रखा है, किसकी कैसे फिटिंग हो रही है पूरी एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ये ब्लैक वाले बैंड आते हैं, हम इसका पैकेट खोल रहे हैं। ये देखिए एक बैंड ये आता है इसके साथ में, और एक बैंड ये आता है, और इसका कैप भी आएगा, और ये सामान भी इसके साथ में आता है। धूप की वजह से सही वीडियो नहीं आ पा रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर डक का हिस्सा ओपन खुला हुआ है, अभी इसमें चुनाई होना है। और ये देखिए हमने इधर से वाई टी से पूरी लाइनें उतारी हैं, 2 इंच की लाइन ली है यहाँ पर हमने, मेन लाइन 2 इंच। इसके साथ ये क्लिप आता है, अभी देखो कैसे लगता है इसके अंदर। इसको बस यहाँ पर ऐसे पुश करेंगे, इधर दिखाओ, हाँ इसमें ये गैप आती है, बिल्कुल आसानी से ऐसे लग जाता है, ये लॉक हो गया। अब ये देखिए वहाँ पर पीछे कैसे फिट होता है, ये देखिए मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसी गैप होती है। इधर इस तरफ करो, ये देखिए यहाँ पर इस तरफ ये गैप है, और ये इसमें लॉक है। अब ये इसको कैसे पुश करेंगे, और ये इसमें लॉक हो जाएगा। ये देखो इसको इस तरीके से यहाँ पर ये अपन फिट करेंगे, ये ऊपर गया, और इसको बस थोड़ा सा पुश करना रहेगा। ये देखिए बिल्कुल आसानी से लग गया। अब इस तरफ इसको धकाएंगे, ये देखिए ये लॉक हो गया है, ये हमारा बैंड लग गया है। अब हम इसको आपको और पूरी फिटिंग बता रहे हैं। इसको यहाँ पर रख लिया है वाटर लेवल के लिए सेट करने के लिए, इससे ऊपर नीचे भी हो जाता है यहाँ पर नट लूज करके। और हम इसका क्या साइज पे इसको कैसे फिटिंग कर रहे हैं, देखो यहाँ से इसको अपन सेट कर रहे हैं। अब ये फाइनल फर्श लेवल से, यहाँ पर हमारा फाइनल फर्श लेवल हमने ले लिया है, इसकी हाइट जो है यहाँ तक की हाइट हम लोग जो सीट की जो फाइनल हाइट है 17 इंच रख रहे हैं, फाइनल फर्श लेवल से 17 इंच सीट की हाइट ये हमने सेट कर दिया है। फिर वाटर लेवल रख के हम लोग इसको सेट कर रहे हैं। अब इसका यहाँ पर नीचे टुकड़ा लग जाएगा पाइप का, और ये जो चीज़ है ये यहाँ पर लग जाएगी, इसके अंदर सीट आएगी, और इसका एंड कैप भी है यहीं पर PVC HWR की फिटिंग में। यहाँ पर कॉलर या कुछ भी अपन लगा कर यहाँ पे पाइप का टुकड़ा लगा देंगे। अभी यहाँ पर कंसील स्टॉप कॉक भी देंगे, और इसका इसका लेवल भी अभी निकालना है। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको पाइप से फिट कर दिया है, थोड़ा गर्म करके इसकी फिटिंग कर दी। जो हमको हाइट रखना थी वो हमने फाइनल फ्लोर लेवल से सीट की हाइट 17 इंच रख दी है, इसका वाटर लेवल भी मिला दिया है। यहाँ पर इसको बस इस तरफ से यहाँ पर हमने ड्रिल करके कील ठोक दी है, और ये देखिए यहाँ पर हमने इसको नट वगैरह से टाइट कर लिया, लेवल भी मिला लिया है। बिल्कुल आसान है लगाना, हम आपको इसमें नंबर भी देंगे, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं। ये इसको लेवल भी चेक करा जाता है बबल लेवल से, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लेवल भी बिल्कुल ठीक है, और इसका ऐसे भी लेवल चेक करा जाएगा।
यहाँ पर ऐसे रख के, अब ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, अब हम इसको लेवल में मिलाएंगे, सीधा करेंगे यहाँ पर। ये टैंक लग चुका है, हम लोगों ने इसको तार से भी बांध दिया है यहाँ पर, क्योंकि मिस्त्री अभी हम लोग इसकी है ना चुनाई करवाएंगे, इसको पूरा होल्ड करवाएंगे मजबूती के साथ। इसका लेवल आगे पीछे नहीं हो, इसलिए हम लोग उसको लेवल के साथ सेट कर कर थोड़ा तार से बांध रहे हैं। ये अब लग चुका है, और ये इसके साथ में कैप आता है, अभी हम इसको कैप यहाँ पर लगा देते हैं। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जो बोल्ट वाली वो आएगी अपनी वॉल हैंग सीट, तो ये इसमें फिट होंगे, और एलंकी वाली लगेगी तो इस वाले में रेक बोल्ट इसमें लगेंगे। इसमें दोनों तरफ ये छेद आते हैं इसके, ये देखिए यहाँ से हमने इसका वाटर लेवल मिलाने के लिए इसको आगे पीछे सेट कर लिया है। अब इसका कवर लगा देंगे, कवर भी कैसे लगाते हैं बिल्कुल आसानी से लगता है, हम ये दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये इसका कवर है, इसको बस ऐसे करके नीचे की तरफ पुश करना है, ये लग जाता है, होल्ड हो गया। इसके ऊपर का कवर भी अभी हम लगा रहे हैं, ये देखिए ऐसे ही सिर्फ इसको धक्का देंगे, पुश कर देंगे, ये लग गया, ये भी लॉक हो गया। अब प्लास्टर वगैरह के अंदर इससे माल माल नहीं जाएगा,